अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जुनैद रसूल है। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ। मेंटल हेल्थ के बारे में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसमें अगर हम बड़े बड़े रिस्क फैक्टर्स की बात करना चाहें कि वो क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जनरेट होने का रिस्क होता है या बाद में बढ़ सकते हैं, तो उसमें ये है कि पेरेंटिंग के मसाइल यानी तरबियत का मसला, स्कूलिंग के मसाइल, शुरू से के प्रॉब्लम्स रहना, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, सैड इवेंट्स बच्चे की लाइफ में अगर कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेरेंट्स की डेथ है, कुछ इस तरह के इवेंट्स आ रहे हैं, स्कूलिंग की में रुकावट आ रही है, ये सब कुछ बाद में लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का कोई ना कोई रीज़न बन सकते हैं। सेकेंडली, आजकल आई थिंक जो ड्रग्स हैं या नशावर अद्वियात या चीज़ें जो हैं, नशावर अशिया जो इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे और बड़े, ये एक एडेड रिस्क फैक्टर है। अगर कोई यूज़ करता है तो उससे उसके मेंटल इलनेस डेवलप करने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो आई थिंक ये इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि ये ड्रग्स और ये चीज़ें इतनी कोई क्या कहना चाहिए, माइल्ड या कोई इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत डेंजरस चीज़ हैं। इससे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, इससे रिस्क बढ़ जाता है मेंटली इल होने का। दिस वीडियो इज़ पार्ट ऑफ अ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन व्हिच इज़ डन बाय marham.pk।